दोस्तों, आज हम बात करेंगे राखी और गुलजार साहब की लव स्टोरी की, जहां भूरी स्वप्निल आँखों वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री ने 70 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया, वहीं गुलजार साहब ने अपनी शायरी से एक खास पहचान बना ली थी। दोनों में प्यार हुआ और 15 मई 1973 में दोनों ने शादी कर ली। उसी साल दिसंबर में उनके घर एक बेटी पैदा हुई। दोस्तों, इस शादी में एक ट्विस्ट था। शादी से पहले ही गुलजार साहब ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम कभी नहीं करेंगी। हालांकि राखी इस शर्त को मान तो गई थी, पर उनके मन में कहीं एक आशा थी कि गुलजार साहब अपनी फिल्मों में शायद उन्हें काम देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं दूसरी तरफ राखी को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन तैयार थी। जब भी राखी किसी फिल्म में काम करने की बात करती तो गुलजार साहब बहुत नाराज़ हो जाते और बात वहीं ख़त्म हो जाती। फिर आई वो रात जब सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि फिल्म आधी की शूटिंग के लिए गुलजार साहब राखी और पूरे कास्ट और क्रू के साथ कश्मीर गए हुए थे। इस फिल्म में हीरो थे संजीव कुमार और हीरोइन थी सुचित्रा सेन। एक दिन शाम के वक्त सभी साथ बैठे हुए थे। संजीव कुमार ने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। जब सुचित्रा सेन अपने कमरे में जाने के लिए उठी तो संजीव कुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। ये बात गुलजार साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ छुड़ाया और उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने गए। जब वो वापस पहुँचे तो राखी बहुत नाराज़ थी। उन्होंने गुलजार साहब से जवाब मांगा कि उन्हें सुचित्रा को कमरे तक छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर झड़प हो गई। गुलजार साहब को उनका सवाल करना अच्छा नहीं लगा और उनका हाथ उठ गया। इस घटना से राखी को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यश चोपड़ा कुछ समय से फिल्म कभी कभी के लिए राखी को साइन करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगली सुबह राखी यश चोपड़ा से मिली और उन्होंने ये फिल्म साइन कर दी। गुलजार साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राखी का फैसला बदलने की कोशिश की, लेकिन राखी नहीं मानी। यहीं से उनकी शादी में दरार आने लगी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल करके उन्होंने डिवोर्स कभी नहीं लिया। शायद समय ने इनके रिश्ते पर मलहम लगाया, क्योंकि अलग होते हुए भी ये सारे जन्मदिन, त्यौहार और सारे सेलिब्रेशंस एक साथ ही मनाते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। एक इंटरव्यू में राखी ने कहा कि अभी भी जब गुलजार साहब के घर खाने कोई आता है तो वो मुझे झींगा करी बना के भेजने को कहते हैं। आगे राखी ने बताया कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ खास पलों को गुलजार साहब ने फिल्मों में भी रचाया है। ऐसे कुछ पल थे जब रात के खाने के बाद गुलजार साहब अपनी कहानियां राखी को सुनाते थे और राखी उन्हें बंगाली कहानियां सुनाती थी। ऐसे ही कुछ पल उन्होंने खुशबू और परिचय फिल्मों में दर्शाए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप इस लव स्टोरी को क्या कहेंगे, कामयाब या फेल? क्या कामयाब लव स्टोरी में एक घर में एक दूसरे के नियमों में बंध के रहना ज़रूरी है, या फिर स्वतंत्र रहकर एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, क्या इसे भी कामयाब लव स्टोरी कह सकते हैं? तो दोस्तों, इसी ख्याल के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।